गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, आई एम जस्ट वेटिंग टुवर्ड्स योर कमेंट। गुड इवनिंग, वंस इट अराइव टू मी आई विल स्टार्ट द क्लास गाइज। ठीक है, ओके सर, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट, है ना। वेलकम यू ऑल। देखिए सर, हमें क्या करना है आज, जैसे आप देख रहे हो, हम लोग ना सेमियोटिक थ्योरी पढ़ेंगे सर। ठीक है, यस, बिल्कुल। तो उसमें हमें पढ़ना क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके देखेंगे। हाँ सर, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेमियोटिक थ्योरी क्या है, सेमियोटिक थ्योरी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सेमियोटिक थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हम लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होके क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, असेसर रीजनिंग भी लेके आऊंगा, आप लोग जैसे जैसे कह रहे हैं मैं वही प्रायोरिटी के बेस पे लेके आ रहा हूँ बस, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा क्योंकि क्या मैं लेके आऊँ। देखिए, मटेरियल की कमी जाहिर सी बातें नहीं है, वो आप लोग, प्रायोरिटी शुड बी सेट फ्रॉम योर एंड, है ना, वो हम लोग करेंगे। चलिए, कुछ लोग और कनेक्ट होते हैं, तब तक मैं बता दूं कि सर, अनअकैडमी पे एक पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स ऑन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, है ना सर, वो स्टार्ट हो चुका है। मैं यूनिट 1 से लेके 10 तक के पूरा का पूरा जो है सिलेबस में कवर कराता हूँ विद PYQ। सर, PYQ से क्या होता है, एक माइंड की फ्रेमिंग होती है अलोंग विद MCQ, है ना सर। MCQ क्या होगा, एक नेक्स्ट लेवल का आपको टारगेट मिलेगा कि इसी सेम एटमोसफियर में, मतलब ये कॉग्निटिव एटमोसफियर में आपको नया चैलेंज मिले, तो फिर आपके माइंड का क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं करवाता हूँ आप लोगों के लिए, कहाँ पे सर, अनअकैडमी पे, और वो प्लस क्लासेज हैं वहाँ पे। आप सब्सक्रिप्शन लेके ये यूनिट 1 से लेके 10 तक के पूरे के पूरा जो वो सिलेबस है उसका कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सर, आप सॉलिड प्रिपरेशन करने के लिए ना आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, है ना। बाकी यहाँ पे भी तो मैं लेके आता ही रहूँगा, ये मेरा तो वादा है सर आपसे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, जब भी आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करें तो सर ये कोड इम्पोज करिए, SATYAMS, सत्यम, एस कोड इम्पोज करेंगे सर, 10% जितने भी प्राइजेस होंगे सर, 10% उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना जी। 3 मंथ्स के ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, या फिर 6 मंथ के, अपने जो है कन्वीनियंस के अनुसार आप ले सकते हैं, 1 ईयर का भी है। तो अगर आप लोगों का जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिपरेशन करने का इरादा है तो ये 12 मंथ वाला ज़्यादा वो पड़ेगा, आपको कॉस्ट वर्दी पड़ेगा, तो ये देखेंगे। ठीक है सर, सर प्लीज़ अपर ऊपर लिखिए उसका आंसर, बताइए प्लीज क्या आपने ऊपर लिखा, आपने आज 8 से 11 के बीच में कोई क्लास हुई थी क्या प्लीज़? नहीं, यूट्यूब पे तो कोई क्लास नहीं हुआ था, अनअकैडमी पे प्लस क्लास रोज होता है ना, तो पिछले 2 दिन छठ की वजह से छुट्टी थी, है ना, हम लोग तो आज से वो कंटिन्यू है, और आज 7 से लेके 9 बजे तक हमने क्लासेस किए थे। ठीक है जी, चले, वेलकम एवरीवन। तो हमें क्या पढ़ना है, सेमियोटिक थ्योरी पढ़ेंगे सर, एक एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम सर, लिखा है सिमियोटिक्स। अब सिमियोटिक का मतलब क्या है, सिमियोटिक को हम सिमियोलॉजी भी कहते हैं, और एक पर्टिकुलर एक स्टडी जोन है जिसमें हम इस जोन में, इस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी ऑफ साइन सिस्टम करते हैं। साइन का मतलब क्या है, यही जैसे हम लोग ये वाला साइन है ना, दिस इज अ साइन, हमारे रिचुअल्स के अनुसार, हमारे रीति रिवाज के अनुसार ये स्वास्तिक का साइन है, ये ओम का साइन है। सर कोई क्या साइन इतना तक ही सीमित है, नहीं सर नहीं, ये जो लिखा है ना ग्रीक में, है ना, ये जो जिसको हम कहते हैं ना स्क्रिप्ट, या फिर हमारी लिपियां जिसको कह लें, लिपियां अनेक होती हैं, जैसे हमारे देश में बात करते हैं
ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ये हिंदी लिखते हैं तो वो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, तो इन सब का अध्ययन करना, स्टडी करना इज कॉल्ड सिमियोटिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप लिखिए सभी लोग, स्टडी ऑफ साइन इज कॉल्ड सिमियोटिक, स्टडी ऑफ साइन इज कॉल्ड सिमियोटिक। ठीक है सर। अब साइन में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? साइन में सिर्फ टेक्स्ट शामिल नहीं है, जो रिटन टेक्स्ट है, जैसे मैंने ऐसे लिख दूं संस्कृत, संस्कृत एक मैंने हिंदी में लिखा, तो क्या सिर्फ ये स पे चंद्र बिंदु जो हमने लिखा, संयुक्त स क लिखा इस तरीके से, क्या इतना ही साइन है? नहीं सर, साइन कंसिस्ट मोर, साइन इज अ मोशन, साइन इज जेस्चर, साइन इज इमेज, साइन इज साउंड एज वेल। क्या कहा सर हमने? साइन इज साउंड एज वेल, जैसे बांसुरी की धुन, अगर जैसे ही बांसुरी की धुन आपके कानों के माध्यम से जाती है हमारे दिमाग में, तो एक अलग तरीके का मीनिंग क्रिएट करता है वो। क्या वो भी साइन है? एग्जैक्टली। क्या डीजे आप बजता है ना, डीजे क्या मीनिंग देता है आपको? थिरकने लगते हैं पाँव, क्या वो भी साइन है? एग्जैक्टली सर, वो भी साइन है। विच एवर साइन, चाहे वो ऑडियो साइन हो सकता है, विजुअल साइन हो सकता है, ऑडियो विजुअल साइन हो सकता है, जो मीनिंग को कन्वे करे इज कॉल्ड ये साइन। और ये साइन में हम सिमियोलॉजी में इन्हीं सब का स्टडी करते हैं। अब स्टडी क्या करेंगे? जैसे हमने लिखा, देखा कि कोई कबीर दास के दोहे हमने पढ़े, अमीर खुसरो के दोहे पढ़े, हमने संजय लीला भंसाली के कुछ शॉर्ट का एनालिसिस किया, हमने दो बीघा जमीन वाले फिल्मों के बारे में हमने बात पढ़े है ना, या फिर मदर इंडिया के कुछ शॉर्ट्स की बात करें, वुमेन का कैसे कैरेक्टराइजेशन है, यंगरी यंग मैन हम किसको कहेंगे, क्या फिल्मों में भी ये सारे? बिल्कुल, फिल्मों में जो स्टडी होते हैं सर, मेनली सिमियोलॉजी होते हैं, मेनली सिमियोटिक्स होते हैं। इसका मतलब और नहीं होता कि सिमियोटिक्स के अलावा और नहीं स्टडी होते हैं सर, इफेक्ट स्टडी होता है, लेकिन सिमियोटिक्स में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। अब बेसिक से इसके कुछ ABCDs पढ़ते हैं सर, सिमियोटिक के ABCD क्या होंगे, क ख ग क्या होंगे? तो क ख ग को ना समझने के लिए हमें दो लोगों का नाम पहले याद करना पड़ेगा। पहला तो सर फर्डिनेंड डी सैसो, किनका नाम? फर्डिनेंड डी सैसो है ना सर। अब इनको क्यों पढ़ेंगे? नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और दूसरा नाम सर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज फादर ऑफ सिमियोलॉजी। क्या कहते हैं सर इनको? फादर ऑफ सिमियोलॉजी, लॉजी। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, चलो कोई पिक्चर साइन है ना, कोई मोशन साइन है, कोई साउंड भी साइन के अंदर ही आता है, तो मुझे ये बताइए ये कलर भी साइन है क्या? ये येलो कलर आपको दिख रहा है ना, ये भी साइन है क्या? बताइए सभी लोग, यस या नो, काइंडली कमेंट हियर गाइस। क्या ये भी साइन है क्या? चलो ये तो साइन मान लिया सर हमने। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं, मैं क्या करता हूं, मैं सर कुछ शेप ना आप लोगों के लिए यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलो मैं एक और शेप यहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा शेप की ना सर मैं इंकिंग भी करता हूँ, रुक जाइए। मान लीजिए ये एक शेप है और मैंने ना इसको रेड से कलर कर दिया। यस, इज इट विजिबल? हाँ सर, ये रेड से कलर कर दिया। ठीक सर, क्या ये भी साइन है क्या? यस सर, एग्जैक्टली, ये भी साइन तो है ही। क्यों? क्योंकि रेड का मतलब आपको पता है कि हमारे, जैसे आप रेड लाइट देखते हैं है ना, तो रेड लाइट का मतलब क्या है? जब ये वाली लाइट, थोड़ा सा मुझे इंक का कलर चेंज करने दीजिए ताकि आपको समझा पाऊँ, ये वाली लाइट जब जले हमने रेड लाइट पे, तो सभी लोग स्टॉप करते हैं। स्टॉप, ये रेड लाइट मीनिंग क्या क्रिएट करता है? यू शुड स्टॉप हियर। ये येलो लाइट जो है वो मीनिंग क्या क्रिएट करता है? यू शुड स्टार्ट। और ग्रीन लाइन सर यू शुड मूव ऑन, मतलब मूव करिए, मूव ऑन इन द सेंस,
ये वाला। अब क्या ये सारे कलर भी साइन है सर? एग्जैक्टली यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा अब फर्डिनेंड डी सेसो को समझते हैं। फर्डिनेंड डी सेसो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सिमियोलॉजी। तो सर दो दो हैं क्या? हाँ सर, वो गोपी वाले फिल्म जैसा, मतलब सुनील शेट्टी का वो फिल्म है ना, मेरे दो दो पिताजी कहता है वो बच्चा, वही वाला मामला, इसको भी समझिए। ठीक है, तो सिमियोलॉजी के दो दो फादर मानते हैं। कौन कौन? एक फर्डिनेंड डी सेसो एंड चार्ल्स सैंडर्स पियर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो फर्डिनेंड डी सेसो को हम क्या याद रखेंगे? देखिए इन्होंने एक टर्म में लिखता हूँ, सभी लोग लिखेंगे, क्या दिया था? फर्डिनेंड डी सेसो गिवेन डायडिक मॉडल ऑफ साइन। क्या बोला सर मैंने? डायडिक मॉडल ऑफ साइन। अब ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके आएंगे। डायडिक मॉडल ऑफ साइन, अब ये डायडिक मॉडल साइन, और ये चार्ल्स एंडस पियर्स ने क्या दिया था सर? ट्राइडिक मॉडल ऑफ साइन। अभी नाम बस डिफरेंस है, थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं सब कुछ एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो डायडिक मॉडल ऑफ साइन में उन्होंने साइन के दो तरीके, दो पार्ट में बांटा है साइन को। फर्डिनेंड डी सेसो ने दो पार्ट में बांटा है। पहला क्या है सर? एक है सिग्निफायर और दूसरा सिग्निफाइड। क्या बोला सर? सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, सभी लोग लिखिए, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर का क्या मतलब है और सिग्निफाइड का मतलब क्या है, ये हम लोग एक तरीके से देखते हैं एक एक करके। चलिए, अब सिग्निफायर इज द फॉर्म ऑफ साइन, द फॉर्म माइट बी अ साउंड, अ वर्ड, अ फोटोग्राफ, अ फेशियल एक्सप्रेशन, अ पेंटिंग, अ पाइप और एक्सेट्रा। चलिए मैं एक चीज यहां पे बताऊं। मान लीजिए मैंने सर एक ना ऐसा साइन बनाया और मैंने ऐसे कुछ बनाया, अब वो आपको लग रहा होगा कि चलो ये व्यक्ति है थोड़ा सा खुश है वो अपने लाइफ से, और सेम तरीके का साइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ है ना, और मैं कह रहा हूँ ये भी सेम तरीके का, और आपका मीनिंग क्या क्रिएट कर रहा? ये लग रहा है ना इसकी जिंदगी तो, मतलब ये लग रहा है ये दुखी है इसी तरीके से। यस, तो क्या साइन, ये सारे के सारे साइन तो हैं, लेकिन ये तो जो मैंने एक ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, ये सिग्निफायर है, लेकिन इस सिग्निफायर को देख के फील कैसा हो रहा है आपको, वो सिग्निफाइड है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे बनाते हैं। अब मैंने लिखा डी ओ जी, डॉग, डी ओ जी। ठीक है सर, ये डी एक लेटर है, ओ भी और जी भी, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। मीनिंग क्या क्रिएट कर रहा है? वही कि एक डॉग एक ऐसा फिनोमिना जो कि जिसको कि हम पेट एनिमल भी कहते हैं, और बड़ा ही वफादार होता है। तो वो कुछ आपके माइंड में जो हो रहा है, या फिर रियल जो एक डॉग होगा वो होगा हमारे लिए सिग्निफाइड, और जिसके थ्रू उस कंसेप्ट को कहा जाए वो होगा क्या? सिग्निफायर। आर और डी में अंतर समझ में आ रहा है? चलिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि सर देखिए, एक ना ये है रास्ता है यहाँ पे है ना, रोड, रोड साइड में मैं दिखाता हूँ एक, यहाँ पे एक पिक्चर बना देता हूँ, या फिर ड्राइंग या पेंटिंग जो भी कहें, मैं देखूँ कि एक गाड़ी ने टक्कर मारा और एक व्यक्ति की जो है एक्सीडेंट हो गया, वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है ना। चलो ब्लीडिंग हो गया, अब वो जा रहा है, इसको किसी ने जाके फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में जमा करा दिया, मतलब उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया। यहाँ पे देखते हैं, अब कोई तीसरा व्यक्ति आता है, देखता है कि यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, कुछ खून वून लगे हैं, तो उसको कुछ एक बातें उसके दिमाग में आएंगी। क्या आएंगी सर? उसको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे। अब वो जो भी समझे, वो हो सकता है कि समझे कि किसी एनिमल का ब्लड हो, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ और भी समझ सकता है, लेकिन वो मीनिंग तो क्रिएट कर रहा है। अभी जो ब्लीडिंग हुई है ना, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ये सिग्निफायर है, लेकिन जो एक्चुअल में चीजें हुई है वो सिग्निफाइड है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं कि सिग्निफायर के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? एक ही सिग्निफायर के मीनिंग अलग अलग लोग निकाल सकते हैं, वो अपने रिचुअल, कल्चर, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ऐसा मीनिंग क्यों निकालते हैं सर?
वो इसलिए क्योंकि लोग अलग अलग रेस रिलीजन्स के होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने पीके फिल्म देखा था, पीके फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया था कि ब्लैक को बड़ा अशुभ माना जाता है ना, और कोई ब्लैक यदि पहन ले, या फिर व्हाइट को कई कई रिलीजन में अशुभ माना जाता है, तो व्हाइट और ब्लैक का कलर कंसेप्ट भी अलग अलग है। यस, सभी लोग बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट का कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट भी अलग है। तो जब एक ही सिग्निफायर से मीनिंग डिफरेंट निकले तो उसको हम लोग कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग। क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं बताइए सभी लोग? कॉनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग। अच्छा चलिए, मैंने आपको कुछ बात कहा, आपको मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी, और अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहा, मैंने साउंड एक निकाला और उसको आपने, जैसे मैंने बताया वो पिक्चर, या फिर कोई मैं कह देता हूँ आपका अपना कल्चर, आपके अपने घर के कुछ पालतू जानवर हैं वो, तो आप अपने, मैंने शब्द इस्तेमाल किया जानवर, पालतू जानवर है ना, और आपके दिमाग में अलग अलग चीजें उभरी। मैंने आपको एक मैं, चलो मैं विजुलाइज कराता हूँ, एक सीन विजुलाइज कराता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक रोड था, किनारे में, उसके किनारे बच्चे खेल रहे थे, है ना? यस, किनारे के जस्ट उस रोड के किनारे एक घर था जहां पे बगीचे थे, कुछ फूल लगे थे। अब आपने जो उसका कुछ किया, इमेजिनेशन किया, हो सकता है बच्चे खेल रहे थे, बच्चे में आपने, हो सकता है कि आपने उसमें सोचा होगा कि सिर्फ लड़के खेल रहे थे, कुछ गर्ल्स भी खेल रहे थे, आपने सोचा होगा कि घर होगा, चलो ये घर था, ये इस कलर का होगा, तो आपने, वो क्वांटिटेटिव है, एक ही मत जो है शब्द का, एक ही बात का अलग अलग मीनिंग निकले सर, क्वांटिटेटिव, यही कहते हैं, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा है, जैसे ब्राह्मी हम लिखते हैं इस तरीके से, हमारी देवनागरी लिखी जाती है, क ख ऐसे कुछ करके लिखा गया है, जो भी आप देखेंगे, तमिल स्क्रिप्ट भी है, मलयालम स्क्रिप्ट भी है, आप देखेंगे उसी तरीके से अलग अलग, जैसे ये राउंड सर्कल वाला स्क्रिप्ट होता है, यहाँ पे देखेंगे बिरनानिंस ऐसे कुछ करके लिखा, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है, बस ये हम साइंस सिस्टम को समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, इसलिए ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा देखिए, साइन इंक्लूड्स क्या क्या, साइन का मतलब रोड का साइन, पब साइन, स्टार साइन एटसेट्रा, ड्रॉइंग पेंटिंग सब साइन है, वर्ड साउंड बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा, एवरीथिंग इज साउंड, है ना, सब कुछ साउंड, साइन, ये साइन तो है ये। अब हमें आगे इसमें पढ़ना क्या है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कंसेप्ट समझ में आया क्या आप लोगों को? सिग्निफायर इज द फॉर्म विच द साइन टेक्स एंड द सिग्निफाइड इज कंसेप्ट। सर ध्यान रखिएगा, सिग्निफायर इज फॉर्म विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू फोटोग्राफ, साउंड, थ्रू विजुअल्स, थ्रू ड्रॉइंग, थ्रू पेंटिंग्स, एंड सिग्निफाइड इज कंसेप्ट इज अ मीनिंग जो उस फोटोग्राफ को डिपिक्शन के थ्रू आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है इमेज। चलो अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये सन, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं दिखाता हूँ, हाँ इज इट विजिबल, ये सन, मैं इस ई वाले सन की बात कर, SUN, सन, ये सूर्य है ना। अब ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया एक कुछ ड्राइंग बना के, लेकिन क्या एक्चुअल में आपके दिमाग में यही आ रहा है? नहीं, वो रियल जो फिनोमिना है, रियल फिनोमिना नहीं, रियल ऑब्जेक्ट जिसको कहें, सूर्यदेव की हम बात कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो सूर्यदेव विल बी सिग्निफाइड, है ना, वो क्या कहेंगे सर, उनको क्या कहेंगे हम, सिग्निफाइड कहेंगे, और जो जिसके थ्रू उस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है वो है हमारे लिए सिग्निफायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग सभी लोग, बताइए हाँ या ना? यस, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या समझना है, उसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे ट्री का जो रियल मीनिंग आपके दिमाग में है कि पेड़ से क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन वगैरह, तो ये रियल जो है एक कंसेप्ट है वो है हमारे लिए सिग्निफाइड, ED, और जिससे कि जिसके थ्रू ट्री लिख के हम कर रहे हैं, TREE, है ना, तो सर ये हमारे लिए सिग्निफायर है ना, ER। अच्छा कुछ लोगों के मन में सवाल भी होगा कि सर ये पेड़ का जो इमेज बना है ये अपने आप में सिग्निफायर नहीं हो सकता क्या? बस मैंने आप लोगों को समझने के लिए ही बनाया है, पेड़ का इमेज भी, ट्री का फोटोग्राफ भी, वो भी सिग्निफायर हो सकता है,
और आपके मन में जो ऑब्जेक्ट क्या जो एक फीलिंग आ रहा है या फिर कंसेप्ट जो उभर रहे हैं वो हमारे लिए सिग्निफाइड है। ठीक है सर, क्या है? सिग्निफाइड। सभी लोग यस सर। आप लोग ना देखो, इतना फिल्टर आउट करके कंसेप्ट को लाना वाकई थोड़ा सा मतलब मेहनत तो लगता है सर, तो आप ना थोड़ा सा इसको देखिए और शेयर भी करते रहिए। मुझे वाकई जब वो आता है, व्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है सर। इसको देखते हैं, अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, ट्राइडिक मॉडल ऑफ साइन की बात करते हैं। तो ट्राइडिक मॉडल ऑफ साइन को समझने से पहले मैं आपको बताऊं, सिग्निफायर को ना तीन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सिग्निफायर के थ्री काइंड्स हमारे लिए होंगे। एक तो आइकन, क्या बोला सर मैंने, आइकन, दूसरा इंडेक्स, और तीसरा जो होगा सिंबल होगा, है ना जी सर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है सर, अभी इस क्वेश्चन को अभी यहीं रहने दें, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिमियोलॉजी कहाँ से निकल के आता है? तो सिमियोटिक जो डिराइव हुआ है वो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1690 बाई जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन थे सर? एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, है ना? और जिस तरीके से इमानुअल कांट वगैरह को हम पढ़ते हैं उस तरीके से इनका भी नाम है, आप लोग समझेंगे इस बात को। तो ये है। अच्छा, कुछ और चीजें मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को ये कराऊंगा। तो हमने मैंने ये आप लोगों को ये लिख भी दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है सर? फर्डिनेंड डी सेसो एंड चार्ल्स एंड स्पियर आर द फाउंडिंग फादर ऑफ सिम्योटिक्स। एवरीथिंग इज रिटन हियर, आप इसको देख सकते हैं। तो स्वीटर स्विट्जरलैंड के थे सर। कौन? सेसो जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के सर? आप लोग दूर आएंगे। और सेसो स्विट्जरलैंड के, और पियर्स कहाँ के थे सर? पियर्स फ्रॉम अमेरिका। ये भी ध्यान रखना है क्या? हाँ सर, अमेरिका ध्यान रखना है। तो सेसोर ने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट तो दिया था। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। चार्ल्स पियर्स ने क्या कहा था? चार्ल्स पियर्स ने ट्राइडिक मॉडल ऑफ साइन दिया था। हु इज चार्ल्स? चार्ल्स पियर, ही इज अमेरिकन लिंग्विस्ट, है ना? ये फर्डिनेंड डी सेसो है सर, ये दोनों चार्ल्स, ये चार्ल्स पियर नहीं है। चार्ल्स पियर आपका, मैं मतलब शायद फोटोग्राफ मैं आपको दिखा पाऊँ, काइंडली वेट। और आप लोगों को जिनको भी ये बनाना है कुछ एक चीजें, आप यहाँ से ना बना सकते हैं, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा इसको देख के। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ये दोनों इमेज जो है वो सी एस पी एस के हैं, चार्ल्स एंड सी एस पी एस बोल रहा हूँ, फर्डिनेंड जी सेसो के हैं, चार्ल्स एंड पी एस। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करें। ये क्या, ऐसे क्या होता है, इसको गूगल पे सर्च करने को क्यों बोल रहे हो सर आप? बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब आप विजुलाइज करते हैं आपके सामने आता है ना वो फोटोग्राफ, तो शायद आपको याद रह जाए, इसीलिए ये सारी चीजें। हाँ, तो सेसो ने कुछ और भी टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, उसको समझ लेते हैं। तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इंट्रोड्यूस टू मेजर टर्म, कौन कौन से? लैंग एंड पैरोल। और लैंग एंड पैरोल का क्या मतलब है सर? बिल्कुल ठीक है, लैंग का मतलब है पूरा का पूरा हमारा साइंस सिस्टम कितनी उसके पास कैपेबिलिटी है ना? एक साइन के पास कितनी कैपेबिलिटी है। और लैंग का मतलब तो ये हो गया सर, लैंग। और पैरोल का क्या मतलब है? वो जो लैंग है, जो कैपेबिलिटी है, उसको कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, परफॉर्म, है ना? तो लैंग इज कैपेसिटी एंड पैरोल इज परफॉर्मेंस। मान लीजिए आपके पास काम करने के घंटे, मतलब कैपेबिलिटी है कि आप 15 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेज के को जो कैपेबिलिटी है वो जाहिर सी बात है अनलिमिटेड है। आप देखेंगे कि जो कहानियां हैं,
है ना, जो टेक्स्ट है, जो शब्द है, वही रहता है, लेकिन उसका जब हम वो करते हैं, जिसको हम एक सिस्टम में उसको ढालते हैं, तो उसका मीनिंग अलग-अलग निकलता है। ऐसा होता है क्या? जैसे आप कबीर दास ने कुछ उसी तरीके की बात करी है, भक्ति की बात हम करते हैं, जैसे मैंने अभी कर, एक सेम तरीके का थीम होगा, सेम तरीके का जो कथानक होगा या फिर जिसको कहें स्क्रिप्ट होगा, लेकिन कहने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रेसलिंग के ऊपर दो फिल्में बनी है, सेम तरीके का थीम है, और दंगल वाली रेसलिंग अलग है ना, और उसी तरीके से जो है सुल्तान वाली रेसलिंग अलग है। तो वो मैंने क्या कहा कि लैंग इज क्या, कैपेबिलिटी कितनी है, और पैरोल का मतलब क्या है, पेरोल का मतलब है कितने बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये भी आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है लैंग एंड पेरोल में क्या डिफरेंस है, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, कितना कॉम्पिटेंस है, और पेरोल का मतलब जो है कितना परफॉर्म कर पाते हैं, ये बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड डी सेसो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को ये साइंस सिस्टम कह रहे थे, यानी सिग्निफायर का मतलब एक साउंड इमेज, और सिग्निफाइड का मतलब कंसेप्ट या ऑब्जेक्ट या फिर मीनिंग। ये लिख लीजिए आप लोग, बहुत काम की चीजें हैं। इसको मैंने मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा है। सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड इज इक्वल टू साइन, यानी साउंड इमेज प्लस कंसेप्ट या मीनिंग इज इक्वल टू साइन। ठीक है सर, बिल्कुल, चले आगे बढ़ें। ठीक है सर, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? एनी साइन अकॉर्डिंग टू सेसो कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ये हमने पढ़ लिया है। कोई भी साइन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो है सिग्निफायर और दूसरा क्या है सर, आप ही लोग बताएंगे। ठीक है सर, अब थोड़ा सा उनके कंसेप्ट को और आगे चलते हैं, आगे चल के बढ़ के पढ़ते हैं। क्या लिखा है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में, जिसको कि हम लैंग कह रहे थे, लैंग को हम लोग यहाँ पे सिंटिग्मेटिक के तौर पे समझेंगे। व्हाट इज सिंटिग्मेटिक सर? सिंटिग्मेटिक का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है ना, उस सिस्टम को परफॉर्म करना जरूरी है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहना जरूरी है। अब ये क्यों, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं चार्ल्स सेंडस पियर्स। सेंडस पियर्स क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट साइन हैव सिंटिग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द सिंटिग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक टर्म, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को बताना होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिंटिग्मेटिक यहाँ पे देख रहे हैं, दी ओल्ड लेडी क्राइड है ना, या फिर आवर ग्रेट पीएम डिसअपियर्ड, या फिर दैट ब्यूटीफुल गर्ल डांस, या फिर हर डांस टीचर डाइड, या फिर ऐसे कुछ जो भी लिखा है मान लीजिए। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे कह ली, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये यहाँ तक तो इंक क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पेन से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, कोई बात, मैं लिख दूँ क्या? हाँ, मैं लिखता हूँ ही इज बिटिंग है ना, बिटिंग लिख देता हूं मैं, टू हिज ब्रदर। अब ये सिस्टम है, ये लैंग्वेज की अपनी कैपेबिलिटी होती है सिस्टमेटिक वे में रहने की। आपने वो पढ़ा होगा ना, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक्जिलरीज वर्ब वर्ब या फिर जो आगे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तो वो हमारे लिए सिंटिग्मेटिक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वे में जब आप अपने अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म कराते हैं, जैसे क्या है कि ही इज बिटिंग टू हिज ब्रदर, ही इज लविंग भी तो कह सकते हैं, ही इज टीचिंग भी तो कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करें, कैसे परफॉर्म करा रहे हैं लैंग्वेज को, इसको कहते हैं पैराडिग्मेटिक। क्या कहते हैं सर बताइए, सभी लोग क्या कहते हैं? पैराडिग्मेटिक। लेकिन ये पैराडिग्मेटिक, ये सर लाइनिंग का कोई महत्व क्या है?
हाँ, लाइनिंग का भी महत्व है। क्या महत्व है? दो जो हॉरिजेंटल ये दिख रहे हैं ना, क्राइड, डिसअपियर, डांस, डाइड, लव, टॉट, या फिर और भी कुछ और भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पीएम की जगह हम सीएम भी कर सकते हैं, हम डीएम भी कर सकते हैं, गर्ल की जगह बॉय भी रख सकते हैं। लेकिन ये जब हम सिस्टम की बात करेंगे ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इस तरीके से रखना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ करके। तो वो सिंटेगमेटिक, वो सिस्टमेटिक, मान लीजिए सिस्टमेटिक से सिंटेगमेटिक याद करिए, और पैराडिग्मेटिक से उसको इंडिविजुअल ये जो परफॉर्मेंस याद करिए। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे फिल्म में, है ना। चलिए, फिल्मों की सबसे जो बेसिक यूनिट होता है ना सर, स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? फिल्म की स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिल्म इज कॉल्ड एज, मैं यहीं पे समझाता हूँ, फ्रेम, है ना। तो मेनी फ्रेम जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक शॉट को, और मेनी शॉट कंस्टिट्यूट करते हैं एक सीन को, यस सर, है ना, और मेनी सीन कंस्टिट्यूट करते हैं एक सीक्वेंस को, कंटिन्यूटी जिसको कहें, इसी तरीके से होता है, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब मैं ना शॉट को अगर इंडिविजुअल यूनिट मानूं, एक इंडिविजुअल जिसको कि क्राइड या लॉफ या फिर इस तरीके से हम समझ रहे थे, तो एक शॉट शॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे का हम जक्स्टा पोजिशन करते हैं एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस में रखते हैं, तो वो एक मीनिंग देता है क्या? तो पूरा का पूरा सीन में जो मीनिंग आ रहा है, सीन को हम लोग कहेंगे सिंटेगमेटिक, और शॉट इंडिविजुअली हम कह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पैराडिग्मेटिक। क्या कहते हैं गाइस, बताइए एक बार सभी लोग, क्यों ऐसा कहेंगे? थोड़ा सा देखिए, सिमिलॉजी जो है वो इसको दो दो साल लोग पढ़ते हैं, वो बस हम लोग एबीसीडी पढ़ रहे हैं अभी, इसके जो कुछ बेसिक की टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन सर बिलीव मी, आपके लिए टर्मिनोलॉजी एनफ है ना, इतना आप लोग पढ़ के जाएंगे और काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी आज की ही क्लास से, है ना सर। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा क्या है, इन कम्युनिकेशन सिलेबल स्ट्रक्चर इज टेक्निकली कॉल्ड, क्या कहते हैं सर उसको, सिलेबल को क्या कहते हैं? वेरी वेल डन, थैंक यू संगम, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। हाँ सर, तो आई एम जस्ट वेटिंग टुवर्ड्स योर कमेंट गाइस। हाँ ठीक है, वेरी वेल डन निशा, तुषार, हाँ नहीं सर, नहीं, अभी अभी कंफ्यूजन है क्या? तो सिलेबल, सिलेबल जाहिर सी बात है वो इस एक पर्टिकुलर सिलेबल किसको कहते हैं, अब जाइए, सिलेबल इज सिंटेगमेटिक, एग्जैक्टली। क्यों सिंटेगमेटिक, व्हाई नॉट पैराडिग्मेटिक, क्योंकि वो सिलेबल है, वो स्ट्रक्चर है, वो एक रूल को फॉलो करेगा, है ना, उसमें सीक्वेंस होंगे, और पैराडिग्मेटिक इज वर्ड, वर्ड जो होगा ना वो पैराडिग्मेटिक होगा। ठीक है सर, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, वेल डन एवरीवन। अच्छा ये देखते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हो सर आप? ये जो भी मैं आप लोगों को सर बताता हूँ ना, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ सर, वो ऐसे नहीं आते। मतलब सबसे पहले क्या होता है, समझना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है। ऐसे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या फिर होते भी हैं कि कुछ भी आपको बता के चले जाएं और उसका मीनिंग जो है आउटपुट नहीं निकलता, तो आउटपुट निकालने के लिए हमें ना पीओआईक्यू की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि अभी तक ये आया है, आने वाले में आप आने वाले समय में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लैंग्वेज इन लैंग्वेज वोकेबलरी इज क्या, वोकेबलरी इज
डैश डैश में क्या फिल करेंगे, पैराडाइम कहते हैं सर उसको। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन सर। क्यों पैराडाइम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं, कंप्रिहेंसिव क्यों नहीं, इंट्रूसिव क्यों नहीं सर? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली दे ही पाएंगे अब। यस या नो, दे पाएंगे सर क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग थ्योरी विच विद देयर एडवोकेट्स, है ना। अब आप लोग कैसे मैच करेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको करिए। वेल्डन रिया जी, तुषार, प्रीति जी, रुचिरा, वंदना जी, शालनी, निशा जी, नीलेश, डेंगूर, डांगूर, या फिर मैं शायद आपका नाम अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, संगीता जी, बिंध्या, संगम, प्रीति जी, अनु, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? चलो सर, आपको मैंने ये आंसर क्यों, क्वेश्चन क्यों रखा है, बस इतना कि आप इतना समझ जाएं कि सिमियोटिक थ्योरी में हम लोग चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को ही याद रखेंगे, अभी इनसे हमें मतलब नहीं है, है ना। इसके बारे में हालांकि मैं आपको बताऊंगा, क्रिटिकल थ्योरी जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिटिकल थ्योरी में हर्बर्ट मार्क्यूजे इसके फाउंडिंग जो है एक इनिशिएटर हैं, और उसके अलावा साइबरनेटिक थ्योरी किसने दिया था, नॉबर्ट वेनर ने, है ना। और फिर से एशियन कम्युनिकेशन थ्योरी वॉज गिवन बाई या फिर प्रोपाउंडेड बाई सेल्टन गुणारत्न, तो ये हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे, अब ये क्वेश्चन और पढ़िए, लिखा क्या है यहाँ पे, कुछ नाम है क्या, नहीं यहाँ आज के क्वेश्चन अभी जो मैंने पढ़ाया है वो नहीं है, जो मैंने अभी आप लोगों को कुछ बातें बताई हैं उसी से क्वेश्चन जो आएगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है सर। चलिए, तो अभी एक बात तो ये रही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्वेश्चन को आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पूछने वाला नहीं हूँ उन क्वेश्चन को। फिर से अभी फिलहाल समझिए कि जो हमने सिग्निफायर के बारे में चर्चा किया था, आइकॉन, इंडेक्स एंड सिंबल के बारे में हमने चर्चा किया, इसको हम कैसे समझेंगे, आइकन, इंडेक्स एंड सिंबल को कैसे समझेंगे? तो आइकन का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स या फिर कुछ भी ऐसा साइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफायर के थ्रू मेनली रिप्रेजेंटेशन, जो हूबहू दिखता हो वो हमारे लिए आइकन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? आइकन कहलाता है। अच्छा, जैसे मेरा मेरा फोटोग्राफ है सामने, आपके सामने विजिबल है, यस। अब जाहिर सी बात है, मैं जैसा दिख रहा हूँ रिजेंबल करता हूँ सर मैं उससे, ऐसा है क्या? हेलो, यस, रिजेंबल करता हूँ, है ना, ठीक है सर। तो मेरा फोटोग्राफ होगा वो आइकन होगा, आपका फोटोग्राफ कहीं लगा है वो आइकन है, है ना सर। इंडेक्स क्या है, मान लीजिए मैं अपने, अच्छा पहले फोटो बनते थे सेल्यूलाइड पेपर, आपने देखा नेगेटिव इमेज बनता था, नेगेटिव इमेज, तो वो क्या होगा, वो इंडेक्स, वो क्या कर रहा है, वो एसोसिएटिव मीनिंग दे रहा है, एसोसिएटेड, हाँ, मतलब अगर हु बहु हो तो आइकन हो गया, इंडेक्स का मतलब वो जो मेरा नेगेटिव बना है वो मेरे से कनेक्टेड है। मान लीजिए मेरा थंब इंप्रेशन है ना, वो मेरे से कनेक्टेड है, यस। आप कहीं जाते हैं पांव के निशान बन जाते हैं, आपके पांव से कनेक्टेड है। सीआईडी में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एक मर्डर हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो उस कंसेप्ट से कनेक्टेड है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी तरीके से सिंबल की हम बात करते हैं, व्हाट इज सिंबल, सिंबल को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी मीनिंग, क्यों, आर्बिट्रेरली आप अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेगा। मैं जब भी इसके बारे में बताता हूं तो मैं फ्लैग के बारे में बताता हूं आप लोगों को, और फ्लैग के बारे में ही क्यों, वाई नॉट अनदर थिंग, क्यों फ्लैग ही, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, क्यों फ्लैग ही। मान लीजिए कि मैंने कुछ यहां पे ऐसी
एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे। अब मैं फ्लैग बनाई के दिखा दूंगा ना। हाँ सर, आप तो ठीक हो, आप माहिर हो इस मामले में, आप करके ही दिखाओ। अब क्या करूँगा मैं, तो मैं फील करता हूँ एक कलर। नीचे ये कलर रहता है क्या? अब सर ये तो मत पूछो आप। यस, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वो वाला मामला। ऐसे फील कर दो, थोड़ा सा अलग तो नहीं हो रहा? मतलब बस मैंने समझाने के लिए बनाया है कुछ इस तरीके से। एग्जैक्टली सबको समझ में आ रहा है ना? अब मान लीजिए कि ये क्यों बनाया? हेलो, इसके बनाने के पीछे, इसको बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य रहा होगा? जाहिर सी बात है कि हम लोग इससे एसोसिएट करते हैं, हमारी भक्ति भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस पर्टिकुलर ट्राइकलर से, ये तिरंगे से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग के लिए इसका मीनिंग अलग हो सकता है और दूसरे पाकिस्तानियों के लिए अलग हो सकता है और दूसरे देश जो है खासकर ब्रिटेन वगैरह के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है क्या बताइए सभी लोग? ऐसा है? हाँ सर, बस इतनी सी बात है। तो ये तीनों का मतलब आप समझ रहे हैं, समझ लीजिए, बताइए यस या नो। अगर आप लोग समझ ले गए होंगे ना, तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। सही है सर, सही है। चलिए, सिंबॉल ये कौन सा मीनिंग क्रिएट करेगा? अगर ऐसा लोग अलग अलग अपने अकॉर्डिंग मतलब निकालने लगे अपने अपने, तो वो हमारे लिए सिंबॉलिक मीनिंग हो जाएगा। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक है ना? तो ये है। चलिए, एसोसिएटेड मीनिंग का मतलब कोई एग्जांपल बताइए, एसोसिएटेड मीनिंग का। चलो सर कोई बात नहीं, मत बताओ आप लोग, ठीक है? ऐसे क्यों कह रहे हो, नाराज हो रहे सर? क्या नाराज हो रहे हो आप? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा सर? आप से मैं नाराज होके कहाँ जाऊंगा? ये लो सिमियोटिक, स्मोक इज व्हाट, मतलब धुआं निकल रहा है। मान लो धुआं, उसका मतलब क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है, इंडेक्सिकल है, या फिर सर्कुलर कम्युनिकेशन है? सभी लोग बताइए। आयरलैंड का फ्लैग हो गया? एक मिनट, काइंडली वेट, मैंने गलत बना दिया क्या? रोटेट करूं? नहीं, ठीक तो है, भारत इंडिया का ठीक तो है। वेल डन एवरीवन। सर इमोजी सिंबल होगा या आइकॉन? आप सभी लोग आंसर करके बताइए, इमोजी सिंबल होगा आइकॉन होगा? वो इंडेक्स होगा ना, वो हंसता हुआ सा फील हो रहा है ना? इंडिया का है, चक्का नहीं, अच्छा चरखा नहीं है, चरखा भी बन जाएगा, लेकिन बस बस मैंने बताया नहीं, बनाया नहीं सर। एक इमोजी सिंबल हो गया आइकन, मैंने बता दिया, ठीक है? हाँ सर, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सिमियोटिक में स्मोक, क्योंकि वो स्मोक एसोसिएटेड है किससे? फायर से, आग से। तो स्मोक होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी। ब्लीडिंग होने का मतलब है कि खून तो बहा होगा, मतलब ऐसे कहीं एक्सीडेंट या फिर कुछ हुआ होगा। अच्छा, इसको देखते हैं। डैश आर आर्बिट्रेरी या एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंट करता है अनसीन फिनोमिना को, तो उसको हम क्या कहते हैं?
ऐसा। सर आप लोग ना लाइक भी करते रहिए और शेयर तो जरूर कर दिया करिए, लेकिन उनको से ही शेयर करिए जो मतलब नीडी हो, है ना, जिनको इसकी जरूरत हो, अदरवाइज वो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और आप लोग मुझे अभी लोग आपने बताया था कि आप लोग कमेंट करके बताते रहिए या फिर वीडियो के बाद भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप लोगों को ये चाहिए क्लासेज वगैरह। ओके, वेल डन एवरीवन। हाँ सर, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर सिंबल ही होगा। और सिंबल क्यों होगा? वाई सिंबल, वाई नॉट अदर थिंग? तो क्योंकि वो आर्बिट्रेरी होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सब्जेक्टिव होगा, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होगा। बिल्कुल सर, तो उसको हम सिंबल कहते हैं। चलिए ये देखिए, विजुअल स्टिमुलस विच इंडिकेट रिलेशनशिप बट नॉट नेसेसरली अफेक्ट अ रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इसका भी आंसर सभी दीजिए। क्या कहेंगे इसको? विजुअल स्टिमुली विच इंडिकेट रिलेशनशिप बट नॉट नेसेसरली अफेक्ट अ रिस्पॉन्स आर कॉल्ड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, थैंक यू। चलिए आप लोग भी ना थोड़ा थोड़ा ना मेरे को लाइक करते रहिए और तारीफ करते रहिए, फिर तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। सर मुझे ना तारीफ वाकई पसंद है और लगभग हर किसी को होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो वो भी करिए। आप बोल सकते हैं कि ना सर ऐसा ना आप थोड़ा सा इसमें और बेहतर कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली कंसिडर योर सजेशंस। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, वेल डन एवरीवन। सो व्हाट शुड बी आंसर? आंसर शुड बी सर इंडेक्स। वाई इंडेक्स? वाई नॉट अनदर थिंग? क्योंकि देखो सिग्नल, पर्सपेक्टिव, शॉट आर्बिट्री है सर। यू डिजर्व इट सर। ओके, थैंक यू तुषार जी। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने एक टॉपिक भी पढ़ लिया, चार्ल्स एंड स्पियर्स वाली कहानी जो है ना, ट्रायडिक मॉडल ऑफ साइन, वो हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। और इतना आप लोगों का कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे सर। रिस्पॉन्स मतलब सर इन दिस क्वेश्चन? अच्छा, रिस्पॉन्स मतलब जो आपको मीनिंग दे रहा है, अफेक्ट अ रिस्पॉन्स, या फिर आप जिस तरीके से समझ रहे हैं ना वो क्या क्या चीजें हैं, बस इसको कह रहे हैं। चलिए आज की क्लास को सर इतना ही तक समेट के रखेंगे। हम लोग फिर कल कनेक्ट होंगे और मैं टाइम बता दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, आप वहाँ पे जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, कुछ एक दिन में मैं ऐसा भी करूँगा कि फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा कि हाँ आप इस समय पे क्लास है, आप आ जाइए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं वहीं पे कनेक्ट करता हूँ। नमस्ते, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, नमस्ते अमित, आप शायद अभी ज्वाइन किए हैं क्या? तो आप जो लोग लेट से ज्वाइन करें शुरू से वीडियोस देख लें, और फिर और भी कुछ एक चीज़ें हैं तो आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है, कि किस किन 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 टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो ये जब वीडियोस ख़त्म होंगे ना तब कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये कमेंट वो चला जाता है फिर वो फिर मुझे दिखता नहीं बाद में। आप अभी जब जैसे वीडियो एंड हो जाए तब कमेंट करके बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रीति जी डेली क्लास के लिए अभी फिलहाल कोई ऐसा मतलब वो नहीं है शेड्यूल कि इसी समय पे होगा। मैं अपडेट करता रहता हूँ, मेरे को जिस तरीके से समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं 2-3 घंटे पहले वहाँ पे जनरली अपडेट कर देता हूँ कि किस किस समय आज की क्लास होगी। ठीक है, ओके ओके गाइस, थैंक यू।